हमारा अभी जो नया टॉपिक है सीआरपीसी में वो है चैप्टर 33 प्रोविजन एज टू बेल एंड बाउंड, जो कि 436 से लेकर 450 तक डील करता है। आज हम जानेंगे 436, जिसमें कि 436 ए हम जानते हैं, लेकिन वो हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जो कि मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 436। इन व्हाट केस बेल टू बी टेकन, किन केसेस में, किस अपराधों में बेल लिया जा सकता है। Clause 1, when any person other than a person accused of non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of police station or appears or is brought before a court and is prepared at any time while in the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail, such person shall be released on bail। इसमें कहा जा रहा है कि जब आप other than non-bailable offence, यानी bailable offence में अगर आपको पुलिस पकड़ता है बिना वारंट के, गिरफ्तार कर लेता है, या फिर आप कोर्ट के पास जाता है, जो भी स्टेज हो कोर्ट का, या फिर आप कस्टडी में है, पुलिस के कस्टडी में है या कोर्ट के पास है, जिस भी स्टेज में है, तो अगर आप बेल दे सकते हैं, यानी आप एप्लीकेशन लगाएंगे बेल का, बाउंड देंगे, सिक्योरिटीज देंगे, अगर आप ऐसा कर सकते हैं जब भी आप करें किसी भी स्टेज में, तो कोर्ट या पुलिस ऑफिसर आपको बेल पर छोड़ेगा ही छोड़ेगा। बेल आपका राइट है, बेल आपका राइट बन जाता है बेलेबल ऑफेंस में। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बस यहाँ पर इतना ऐसा ही कहा गया है कि बिना वारंट के अगर आपको गिरफ्तार करता है बेलेबल ऑफेंस में, तो अगर आप बेल देने के लिए तैयार है किसी भी स्टेज में, तो या तो पुलिस ऑफिसर या तो कोर्ट आपको बेल पर छोड़ेगा। यहाँ पर मेंशन है सेल बी रिलीज ऑन बेल, जहां भी हम सेल पढ़ते हैं वहां का मतलब बाउंड होता है, कोर्ट या जिसके लिए भी सेल का यूज होता है वो बाउंड होता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद provided that such officer or court, if he or it thinks fit, may and shall, if such person is indigent and unable to furnish surety instead of taking bail from such person, discharge him on in executing a bound without surety for his appearance as hereinafter provided। इसमें कहा जा रहा है कि जो officer है या फिर court है, जो भी है, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये आदमी गरीबी के कारण अपना सियोरिटी नहीं दे सकता, बेल बाउंड तो दे सकता है लेकिन सियोरिटी नहीं दे सकता, मैंने ऊपर क्या पढ़ा था कि वो जिस समय भी सियोरिटीज या बेल बाउंड दे सकता है, यानी एप्लीकेशन लगा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि बेल वो नहीं ले सकता, किस कारण से, गरीबी के कारण से, तो उस आदमी को भी आप बाउंड लेके छोड़ सकते हैं, यानी उसका पर्सनल बाउंड ले सकते हैं आप बिना सियोरिटीज के। सियोरिटीज का मतलब सिर्फ आदमी नहीं होता है, सियोरिटीज का मतलब पैसा होता है, 5,000 का बाउंड या तो फिर 2,000 का बाउंड, ऐसा यहाँ पर होता है, पैसा लेकर भी उसको सियोरिटीज माना जा सकता है, माना ही जाता है, विदाउट सियोरिटीज उसको छोड़ा जा सकता है, यहाँ पर ऐसा कहा गया उसके गरीबी के कारण। एक्सप्लेनेशन, वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू गिव बेल विद इन अ वीक ऑफ द डेट ऑफ हिज अरेस्ट, इट शैल बी अ सफिशियंट ग्राउंड फॉर द ऑफिसर और द कोर्ट टू प्रिज्यूम दैट ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजो। इसमें कहा जा रहा है कि एक सप्ताह तक, यानी एक वीक तक, अगर वो आदमी जो बेल जिसको छोड़ा गया है वो आदमी सियोरिटीज नहीं दे पा रहा है, ठीक है, या फिर बेल बाउंड नहीं दे पा रहा है किसी अपने गरीबी के कारण से, ऐसा माना जाएगा, जब वो एक सप्ताह तक नहीं दे पाएगा बेल बाउंड, तो ऐसा माना जाएगा कि वो आदमी गरीब है, ऐसा कोर्ट को मानना पड़ेगा, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा या पुलिस ऑफिसर प्रिज्यूम करेगा और उस आदमी को छोड़ देगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, छोड़ देगा उसको, किस लिए छोड़ देगा, क्योंकि वो ऐसा मान लेगा कि गरीबी के कारण ये 7 दिन तक ऐसा नहीं कर पाया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 116 और सेक्शन 446A। इसमें कहा जा रहा है कि सब सेक्शन 3 जो है 116 का, वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा, और 446A वहां पर भी ये अप्लाई नहीं होगा। 446 से नीचे में लिखा हुआ, जिसका मैंने वीडियो बना लिया कि किसी भी अंडर ट्रायल प्रिजनर को आप कब तक जेल में रख सकते हैं, उसका टाइम क्या है, मैक्सिमम टाइम क्या है, वो आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 2, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 हमने ऊपर पढ़ा वो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी लागू नहीं होगा, कब नहीं है, वेयर अ पर्सन हैज फेल टू कंपेल विथ द कंडीशन ऑफ द बेल बाउंड एज रिगार्ड द टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी बेल बाउंड में लिखा गया था, चाहे पर्सनल बेल बाउंड था या सिक्योरिटीज के साथ था, जो भी था, वहां पर अगर ऐसा लिखा गया था कि ये आदमी आएगा जब इसको बुलाया जाएगा, हर बेल बाउंड में लिखा होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो टाइम में उसको बुलाया जाएगा वो नहीं आया, उसका जो अटेंडेंस था वो देने में हुआ सक्षम हो गया, यानी जो भी बेल बाउंड में कंडीशन था वो फिलफिल नहीं करेगा, तो कोर्ट क्या करेगा, उसका बेल को रिफ्यूज कर देगा, यानी रिजेक्ट कर देगा, एट द टाइम ही रिजेक्ट कर देगा जब वो ऐसा कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। अब जब वो उसी केस में कोर्ट के सामने आता है या हिरासत में लाया जाता है, ठीक, आता है या लाया जाता है, जो भी हो,
या फिर जो भी कंडीशन है उसको ऐसा बोलता है, वो रिफ्यूज करता है उस कंडीशन को, जो कंडीशन उसको पहले बेल बॉन्ड में दिया गया था, जिस आधार पर उसको बेल मिला था, ठीक है। तो कोर्ट बिना पक्षपात किए हुए, कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट उस आदमी को बुलाएगा पेनल्टी देने के लिए, यानी कि फाइन देने के लिए, जो 446 में बॉन्ड दिया था, जो आदमी बाउंड मतलब दिया था, यानी कोई गवाह होगा इसका, विटनेस होगा, या तो फिर वो खुद भी सिक्योरिटीज दिया होगा, 50,000 का बॉन्ड दिया होगा, कोई आदमी दिया होगा, तो उस आदमी को बुला के उसको उससे पैसा मांगा जाएगा, जो भी बॉन्ड में था वो बॉन्ड उसको देना पड़ेगा। वो ये कोर्ट का पावर है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और 436A हमने दे रखा है आई बटन में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय।